दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्पीड टेस्ट और परफॉर्मेंस कंपैरिजन रियलमी 8 और रेडमी नोट 10 एस के बीच में, क्योंकि इन दोनों ही फ़ोन्स में हमें देखने को मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G95 चिपसेट, और ये दोनों ही फ़ोन्स हमें देखने को मिल रहे हैं 14,999 रुपये की प्राइस में। तो यहाँ पर कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो UI है दोनों ही फ़ोन्स का, वो भी अलग अलग है। रियलमी UI 2.0 वर्जन के साथ में काम कर रहा है रियलमी 8, जबकि अगर मैं बात करता हूँ रेडमी नोट 10 एस की, तो ये काम कर रहा है MIUI 12.5 वर्जन के साथ में। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा कि MIUI 12.5 कितना ज़्यादा अपडेट है, कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है MIUI 12 के कंपैरिजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन को। और यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही फ़ोन हमारे पास अवेलेबल हैं 6 GB रैम वेरिएंट के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं बेंचमार्क स्कोर से। और यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं 357,000 बेंचमार्क स्कोर हमको देखने मिल रहे हैं रियलमी 8 के, जबकि लगभग 330,000 के आसपास हमको बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल रहे हैं रेडमी नोट 10 एस के। चलिए प्रैक्टिकल कंपैरिजन की तरफ चलते हैं दोस्तों, जहाँ पे हम स्पीड टेस्ट के अलग अलग 3 राउंड करने वाले हैं। पहले राउंड में हम करेंगे दोनों ही फ़ोन में सेम टाइम पर एप्लीकेशन को ओपन, और चेक करेंगे कि कौन सा फ़ोन कितनी एप्लीकेशन को फास्ट ओपन करता है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन में कोई भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अस्फॉर्ट 9 के साथ में, और फिर हम जाएंगे दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। तो दोस्तों ये था फर्स्ट राउंड, और रिज़ल्ट थोड़े से शॉकिंग हैं, क्योंकि Redmi Note 10 S में एक भी एप्लीकेशन फास्ट ओपन नहीं हुई है। जी हाँ, टोटल 6 में से 3 एप्लीकेशन फास्ट ओपन हुई थी Realme 8 में, और बाकी की 3 एप्लीकेशन दोनों ही फोन में लगभग सेम, जी हाँ ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही ओपन हुई थी। तो विनर तो क्लियर आपको देखने को मिलता है Realme 8, लेकिन Redmi Note 10 S से हम थोड़ा सा और अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते थे। यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन मुझे देखने को मिला है Redmi Note 10 S का। चलिए बाकी के 2 राउंड और हैं, वहाँ चेक करते हैं इसका परफॉर्मेंस। अब दोस्तों दूसरे राउंड हम करने वाले हैं दोनों ही फोन्स में एक वीडियो का रेंडर। चलिए तो ये वीडियो रेंडर हम करने वाले हैं फिल्मोरा गो के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही फोन्स में है सेम वीडियो क्लिप, और अब हम इसे एक्सपोर्ट करने वाले हैं 720 पिक्सल्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों ही फोन में एक साथ, और देखते हैं कि कौन सा फोन कितना समय लगाता है इस वीडियो को रेंडर करने में। दोस्तों 2 मिनट और 57 सेकंड का टाइम हमको देखने मिला है Realme 8 में, जबकि अभी भी कुछ समय और बाकी है Redmi Note 10 S को वीडियो रेंडर कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर भी विनर Realme 8 हो गया है। अब देखना ये होगा कि कितना समय और लगता है Redmi Note 10 S को इस वीडियो रेंडर को कंप्लीट करने में। और फाइनल दोस्तों टाइम लगा है 3 मिनट और 50 सेकंड का। जी हाँ, आप देख सकते हैं लगभग 1 मिनट का टाइम डिफरेंस हमको देखने मिलता है इन दोनों ही फ़ोन्स की परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पर भी दोस्तों Realme 8 मुझे बेटर देखने को मिला है। जी हाँ, आपके सामने ये प्रैक्टिकल कंपैरिजन है, और मुझे लगता है कि MIUI 12.5 मतलब बहुत ज़्यादा अपडेट, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हमको देखने को नहीं मिला है अब तक, क्योंकि MIUI 12 का परफॉर्मेंस बिल्कुल ऐसा ही था। चलिए अब चलते हैं 3rd राउंड की तरफ, जहाँ पर हम करने वाले हैं दोनों ही फोन्स में सेम टाइम पे एप्लीकेशन को ओपन, लेकिन यहाँ पर टाइम मेजर होने वाला है स्टॉपवॉच के थ्रू, और यहाँ पर हम रैम मैनेजमेंट को भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस राउंड को भी। We'll be right back.
और दोस्तों रिजल्ट्स आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। जी हाँ, लगभग एक मिनट का डिफरेंस हमको यहाँ पे देखने को मिला है। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट राउंड की, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस था, 1 मिनट और 54 सेकेंड रियलमी 8। जबकि अगर मैं बात करता हूँ नोट 10S की, तो लगभग 2 मिनट और 21 सेकेंड, तो वहाँ पर भी हमें डिफरेंस देखने को मिला। इसके बाद जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन थी, जी हाँ, रैम मैनेजमेंट भी नोट 10S का इतना अच्छा हमको देखने को नहीं मिला। वहाँ पर भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन, मतलब कुछ 2 या 3 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में काम कर रही थी, बाकी सारी भी स्टॉप हो चुकी थी। लेकिन Realme 8 में लगभग सारी एप्लीकेशन, लास्ट की 2 एप्लीकेशन को छोड़कर, सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में काम कर रही थी। तो यहाँ पर भी हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने मिलता है फाइनल स्कोर में। तो कुछ ऐसा दोस्तों हमको देखने मिला है इन दोनों ही फोन्स का परफॉर्मेंस। और एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों ही फोन्स का बिल्कुल सेम है, लेकिन क्योंकि इन दोनों ही फोन्स का UI बहुत अलग है, यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो दोनों ही फोन्स का बिल्कुल अलग है, इसीलिए हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और ये दोस्तों आपने प्रैक्टिकली चेक किया है कि यहाँ पर हमें कैसा परफॉर्मेंस देखने मिलता है इन दोनों ही फोन्स में, और क्या क्या डिफरेंसेस हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।